अमल? हेलो मैडम परवाना, अभी अभी किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। क्या तुम ठीक तो हो ना? कहाँ हो तुम? मैं रूम में हूँ अपने। तुम्हें तुम्हें चोट तो नहीं आई? मुझे बस दोनों बाजू में हल्के से कट आए, लेकिन मैं ठीक हूँ। तुमने उसको देखा? मैं उसे देख तो नहीं सकी, लेकिन उसकी टोपी और नाइफ यहीं गिरा है। अच्छा ठीक है, तुम दरवाजा बंद करके बैठो, अभी किसी को कुछ मत बताना। मैं सुबह होते ही तुम्हारे घर आती हूँ और हम पुलिस स्टेशन जाएंगे FIR कटवाने। और कमरे में किसी भी चीज को इधर उधर मत करना, जैसी है वैसी की वैसी रहने देना, ठीक है? ठीक है, मैं हैंडल कर लूंगी। मुझे लगता है इन लोगों को अब ऐसे ही हैंडल करना पड़ेगा। तुम अपना ख्याल रखो और सुनो, दरवाजा जरा बंद करके रखना सही से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आप दिलशाद मैडम के मैनेजर हैं, क्या बता सकते हैं दिलशाद मैडम की बहू पर कातिल हमला किसने किया था? अमल? यस सर। सर आप खामोश क्यों हैं? क्या आप इस बारे में कुछ नहीं जानते? सर, एक्सक्यूज मी सर। मैम, मैम मुझे पता चला अमल मैम जख्मी है, वो ठीक तो है ना? अरे छोड़ो उसे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे ड्रामा क्या चल रहा है। तुम्हें पता है उस लड़की अमल ने हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश की है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बताया है ना? क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं किया, आप मेरे लॉयर्स की टीम को आने दें। आपके खिलाफ वारंट है हमारे पास, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अरे सुबह सुबह वारंट कौन साइन करता है? और आप मुझे बताएं मेरे खिलाफ FIR किसने दर्ज करवाई, नाम बताएं उसका। FIR सुबह ही सुबह दर्ज हुई है, चले अब। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपके खिलाफ ऑर्डर्स हैं हमारे पास, आप चलें हमारे साथ। मॉम, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाने वाला, आप प्लीज इनके सीनियर से बात करें। ज़हीन, तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। रेहान, तुम ऐसा करो, मेरी लीगल टीम को फोन करो जल्दी। मैडम आप चाहे जिससे भी बात करें, लेकिन मिस्टर ज़हीन को हमारे साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके खिलाफ इनकी मिसेज ने FIR दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि अमल पर कातिलाना हमला उनके शौहर ने कराया है। इंस्पेक्टर साहब वो झूठ बोल रही है, वो लड़की पागल है, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, वो तो कुछ भी कह देती है कभी भी। आपको पता है मेरा बेटा ऐसा कभी भी कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है ये। देखें मैडम, क्या सच है और क्या झूठ, इसका फैसला तो अदालत करेगी, फिलहाल आप हमें हमारा काम करने दीजिए। मॉम, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा इन लोगों के साथ। रेहान, मेरे लॉयर को कॉल करो अभी। क्या हुआ, नंबर मेरा? मैं वकील फोन नहीं उठा रहा। सर, हम आपकी बेल करवा लेंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उसको दूसरे नंबर पे कॉल करो, जल्दी बुलाओ उसे यहाँ। मैं अभी मीडिया बाहर, सबकी नजरें आप पर है, पुलिस को उसकी कार्रवाई करने दे। ज़हीन सर को जाने दे, वरना बात मजीद बिगड़ सकती। देखिए मॉम, मॉम मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, ये अमल झूठ बोल रही है। मॉम, कुछ भी करें, किसी को भी कॉल मिलाए, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तुम फिक्र नहीं करो, मैं वकील को लेकर आ रही हूँ तुम्हारे पीछे, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। मॉम जल्दी, मैं कुछ करती हूँ।
खादिम हुसैन, खादिम हुसैन कहाँ हो तुम? जी मैडम। ये तुमने क्या कर दिया? मैंने और जही ने तुम्हें अमल को डराने के लिए कहा था ना, चाकू से उस पर अटैक करने की क्या जरूरत है? दिमाग खराब हो गया था क्या तुम्हारा? चाकू से हमला मैंने नहीं किया, मैं नहीं जानता, मैं तुम्हें गया ही नहीं। देखिए मैडम, बाहर पुलिस आई हुई है, बचा ले मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? मैं तो अमल मैडम के कमरे तक पहुंचा ही नहीं हूँ, ये सब कुछ पहले ही हो चुका था। क्या बकवास कर रहे हो? अमल के कमरे में अगर तुम नहीं गए थे तो फिर कौन गया था? किसने उसे जख्मी किया? ये सब कुछ मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अमल मैडम के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं नहीं जानती तुम्हारा हाथ है या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये तुम्हारा काम कोई और कैसे कर सकता है? और तुमने ही किया होगा। अब पकड़े जाने पर ना तुम मुकर रहे हो। और बात सुनो, अगर हमारा नाम आया ना तो अगली सुबह नहीं देख पाओगे तुम, माइंड इट। क्या कह रही हैं आप? इससे पहले जो कुछ ही मैं करता रहा हूं वो आपके कहने पर करता रहा हूं, लेकिन ये काम मैंने नहीं किया है, अमल मैडम को मारने की किसी और ने कोशिश की है। आंटी, वो ज़हीन को कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप प्लीज रोकें ना उन्हें। ज़हीन सर ने अमल मैम पे कातिलाना हमला किया, अमीन ऐसा इल्जाम लगाया। उस 2% की लड़की की इतनी जुर्म कि वो हम पर इल्जाम लगाए? आंटी आप चुप क्यों खड़ी हैं? प्लीज कुछ तो करें ना, रोकें उन्हें। तुम खुद कहाँ थी? वो मैं लॉयर को कॉल कर रही थी। मीडिया वाले हैं ना, उनको हैंडल कर लोगे ना? जी मैम। और बल्कि ये बोलना कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी बाद में, ठीक है? तुम आओ मेरे साथ। मैम क्या आप बता सकती हैं कि ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से आपके शौहर ने आप पर हमला किया और आपको मारने की कोशिश की? मैडम क्या ये बात सच है, जहीन साहब और आपके दरमियान इख्तलाफात हैं? मैम तो क्या आप अपने शौहर को सजा दिलवा सकेंगी? इस केस में मशहूर बिजनेसमैन जहीन की इन्वॉल्वमेंट है, एनी कमेंट? इस आदमी ने मुझ पर खंजर से हमला किया है। क्या वो जहीन साहब थे, आपके शौहर? सब कुछ आप लोगों के सामने है। इस आदमी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। जहीन साहब आपको मारना क्यों चाहते थे? जहीन साहब ने दूसरी शादी कर रखी है क्या? इसका मतलब पहली बीवी से छुटकारा? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अमल मैम को सवाल करके परेशान मत करो, उनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने इन्हें आराम के लिए कहा। मिस्टर रेहान, आपको मेरे साथ हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। आप दिलशाद आंटी की मैनेजर हैं, यकीनन उन्हीं की जबान बोलेंगे। दिलशाद मैडम बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके सारे सवाल का जवाब देंगे, आप प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे जाएं? हमें दिलशाद मैडम से अभी बात करनी है ताकि पता चल सके क्राइम में कौन इन्वॉल्व है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत बड़ी सोशल वर्कर हैं, उन्हीं के बेटे ने अपनी बीवी को जान से मारने की कोशिश की। देखिए आप ठीक कह रहे हैं और आपके सारे सवाल भी वैलिड हैं और वो आपके सारे सवाल का जवाब देंगी, बस थोड़ा सा सब्र करें। प्लीज आप इन्हें समझाइए। अमर मैम प्लीज आप अंदर चलिए। चलो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी अमल के, तुम मेरे हाथ से बच गए, लेकिन बेफिक्र रहो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा अमल। यूं समझो अमल के मौत तुम्हारे सर पर मंडला रही है, लेकिन ये जो जहीन साहब को पुलिस ले गई है ये मामला खराब हो गया। ये बड़े लोग हैं, अपने खराब मामलात खुद ही ठीक कर लेते हैं। खाना लेके आई हूँ तेरे लिए, ऊपर तुझे देखा तू था ही नहीं इसलिए फिर नीचे आ गई।
मैं जानता हूँ तू बहुत ख्याल रखती है मेरा। ये पट्टी क्या हुआ हाथ पे? ओ कुछ नहीं हुआ, वो काम कर रहा था तो उसमें हल्की सी चोट लग गई, ठीक हो जाऊंगा। तू जानता है मेरी तो जान ही निकल जाती है, मैं ना तुझे किसी तकलीफ में नहीं देख सकती, बहुत प्यार करती हूँ तुझसे। मैं जानता हूँ तू मुझसे बड़ा प्यार करती है, मैं भी तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ। वैसे अमर भाभी के साथ कितना गलत हुआ है ना? हाँ बुरा तो हुआ है। वैसे तुझे क्या लगता है कि ये जो जानी हमला हुआ है ये ज़हीन भाई ने करवाया होगा? सच कहूँ ना, मुझे नहीं लगता कि ज़हीन भाई ऐसा कर सकते हैं। अबे हमें क्या पता किसने किया है, बड़े लोगों की बड़ी बातें, हमें इन मामला से दूर रहना चाहिए, इनका कोई भरोसा नहीं, कब गरीब को कुर्बानी का बकरा बना दे। कह तो बिल्कुल सही रहा है, लेकिन सोचने की बात ये है कि कब कोई आया चला गया पता ही नहीं चला। हाँ वो दिलशाद मैडम नहीं है, उन्होंने ना कुछ दिन पहले घर के सारे कैमरे निकलवा दिए थे अमल भाभी की वजह से। सही हुआ, जो जैसा करता है ना उस वजह से बढ़ना ही पड़ता है, अब देखना पता लगेगा। बढ़िया है। मेरी बात सुन, अपनी जबान बंद रखना, अपनी आंखें और कान खुले रख, बस सुन और देख के क्या हो रहा है। पुलिस आई थी, क्या बात हुई है, कमरे में कौन है? वो तो बेचारी अपने कमरे में आराम कर रही है, डॉक्टर ने ना उन्हें सख्त आराम करने के लिए कहा है, बेचारी जाने हमले से बची है। चलो मैं ना ऊपर जाती हूँ, दिलशाद मैडम ने मुझे यहाँ देख लिया ना खात्मा कर देंगी मेरा। और हाँ खाना खा लो, बड़े प्यार से बनाया मैंने तुम्हारे लिए, खाओ दीदी से। शाजिया से भी जान छुड़ानी पड़े, इस पूरे खानदान को ऐसे घन चक्कर में फंसाऊंगा, ऐसे घन चक्कर में फंसाऊंगा कि सब आपस में उलझ कर रह जाएंगे। अमल ने अपने शौहर पर शक जाहिर करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कराए हैं। ज़हीन अकबर ने अपनी बीवी अमल को जान से मारने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि ज़हीन अकबर पर अपनी बीवी मिसेज अमल ज़हीन पर जानलेवा हमला करने का इल्जाम है। अमल ने अपने शौहर पर शक जाहिर करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। ज़हीन अकबर ने अपनी बीवी अमल को जान से मारने की कोशिश की। आंटी आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ठीक होगी, मैं कॉल करता हूँ उसे। तो फोन ही पिक नहीं कर रहे हैं। मुझे भी और इसी वक्त अपनी अमल के पास जाना है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। हम अभी चलते हैं, तुम परेशान मत हो, खुद को संभालो। कहां से ये लोग इस हद तक गिर सकते हैं? न जाने मेरी बच्ची क्या क्या जुल्म बर्दाश्त करती रही। बासल ज़हीन भाई को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। हाँ मुझे पता चल गया, तुम स्ट्रेस मत लो, इस हालत में तुम्हारा स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। बासे मुझे अभी मॉम के घर जाना है, पता नहीं हुआ क्या है, आखिर ये क्यों लेके गए? सोनिया तुम परेशान मत हो, आई होप कि अमल ठीक होगी। फासिल तुम ऑफिस के मामला और ऑडिटिंग वगैरह के देखो, हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं, अब सब संभाल लेंगे वहां पे। ठीक है, और बस दुआ करो कि सब ठीक हो। चलो सोनिया चलो, आने तुम भी आ जाओ सर, चलो चलो।
देखो तुम अपना ख्याल रखना वहां पे। हाँ, तुम्हारे पापा को इस सिचुएशन में भी अपनी सौतेली बेटी की परवाह? मेरे भाई का कोई ख्याल नहीं है? इन बातों में इस वक्त कोई वक्त नहीं है, तुम जाओ अपनी मॉम से तुम मिलो। आओ। बानू बता रही थी तुमने खाना नहीं खाया। देखो अमल, यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम खाना खाओ या ना खाओ। मेरे होने या ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता रेहान। खाना खा लो प्लीज, फिर तुमने मेडिसिन भी खा ली। कुछ और नहीं तो अपना पुराना दोस्त समझकर प्लीज खा लो, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती। अमल, इस तूफान में अपने आप को अकेला मत समझो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कैसा तूफान है रेहान, तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। कुछ खत्म नहीं हुआ, और ये जरूरी नहीं हमारी जिंदगी में आने वाला हर तूफान तबाही लेकर आए। कुछ तूफान इसलिए आते हैं कि आप अपने आप को समेटें, अपने आप को संभाल सकें और पहचान सकें कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। सोच भी नहीं सकती थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़हीन अपनी नफरत में इस कदर आगे बढ़ जाएगा कि वो मुझे जान से मारने की कोशिश करेगा। तुम फिक्र मत करो, उसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। हाँ, लेकिन अमल, मुझे तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा। तुम कुछ दिनों के लिए आंटी के पास चली जाओ। नहीं, वो रास्ता तो कब का बंद हो चुका है। मैं अब डर कर और नहीं भागूंगी। बहुत भाग लिया मैंने, अब मुझे मुकाबला करना है, लड़ना है मुझे। ठीक है, तुम खाना खा लो प्लीज। मैं ज्यादा देर यूं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता, किसी ने देख लिया तो शक हो। लेकिन तुम फिक्र मत करना, ये लोग चाहे जितने मर्जी वकील इकट्ठे कर लें, ज़हीन को बाहर नहीं निकलवा सकते जब तक तुम ना चाहो। उसको सजा जरूर दिलवाना। रेहान, थैंक्स। खाना खा लो और फिर मेडिसिन ले लेना। रात की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना राशिद? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? वो जो भी था अंदर कैसे आया? मैडम, मैं रात भर गेट पर ड्यूटी पे था, बाहर से कोई अंदर नहीं आया। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? एक शख्स हमारे घर में घुसकर हमला करके चला जाता है, तुम कह रहे हो कोई आया ही नहीं? मैडम, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, बाहर से अंदर कोई नहीं आया। माफ कीजिएगा मैडम, मुझे तो लगता है कि ये काम किसी अंदर वाले ने ही किया। क्या बकवास है ये? तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो जो भी शख्स था वो ज़हीन था? नहीं नहीं मैडम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ज़हीन सर पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा राज जरूर है जो हम सबसे पोशीदा है। मैडम, हो सकता है कोई ज़हीन साहब को फंसाना चाहता हो। मैडम, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा कोई फंसा सकता है। अच्छा ठीक है, तुम बाहर जाओ और अगर कोई भी मुझसे मिलने आया तो कह देना कि मैं घर पे नहीं हूं। जाओ,
जी मैडम, आप बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र हो जाए। तुम्हें मैंने मना किया था ना, मना किया था ना मैंने तुम्हें? कम ऑन आंटी, अगर मैं ऐसा कुछ करती तो आपको जरूर बताती, और अगर मैं हमला करवाती ना अमल पर तो वो बचती भी नहीं। ये सब वो ड्रामा कर रही है, उसने खुद अपने आप को जख्मी किया है। और घर में तो कोई आया ही नहीं, और उसके पास सबूत क्या है कि घर में कोई आया है? हाँ, you're right, अमल के पास तो कोई सबूत नहीं है, ये सब उसी का किया हुआ ड्रामा है। मैं ज़हीन को बस लॉकअप से निकालना चाहती हूँ फौरन। तुम कहाँ थे? मैं लॉयर को कॉल कर रहा था, लेकिन अभी तक उसका फोन ऑफ चल रहा है। वो दुनिया का आखिरी वकील है क्या? तुम रहने दो, मैं खुद बात कर लूंगी दूसरे वकील से। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से, प्रेस भी हमारे पीछे, एनजीओ वाले भी हमारे पीछे लगे हुए हैं। अब इतने सारे सवाल उठेंगे और हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। मैंने कहा था सब्र कर लो, लेकिन नहीं। अमल ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पूरी तरह फंस गए हम लोग। सुनो रेहान, तुम ऐसा करो, वो कॉन्फ्रेंस रूम में जो फाइल्स रखी हैं वो लेकर ऑफिस जाओ फौरन। ऑफिस? हाँ, वहां की भी तो सिचुएशन संभालनी है, फिलहाल तो तुम्हें ही सब कुछ करना है, तुम हैंडल करो ना जाके। मैं ज़हीन की वजह से बहुत परेशान, मुझे ये मामला हैंडल करने दो, मुझे लॉयर से बात करनी है। जाओ तुम ऑफिस। ओके मैम। हमारी नींदें हराम करके मैडम यहाँ आराम कर रही, क्या साबित करना चाह रही हो तुम? हमारे खिलाफ इतना बड़ा खेल मचाया, मेरे बेटे को तुमने लॉकअप भिजवा दिया, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम समझ क्या रही हो? आपको हाथ मत लगाइए मुझे, खबरदार, अगर हाथ उठाना तो अच्छा नहीं होगा। तुम मेरा और ज़हीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, समझ क्या रही हो अपने आप को? मुझे समझ आ गई आंटी इसकी, ये मिडिल क्लास लड़की आपकी और ज़हीन की दौलत हासिल करना चाहती है और बस। और रियली, मैं मिडिल क्लास, ठीक है मैं मिडिल क्लास हूं, तो तुम क्या? तुम्हारी तो कोई क्लास ही नहीं है, कौन हो तुम, कहां से आई हो? यू शट अप, आइंदा अपनी हद में रहना, वरना तुम भी ज़हीन की तरह सलाखों के पीछे होगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम भी ज़हीन की तरह उसकी हर साजिश में बराबर के हिस्सेदार हो। चलो तुम निकलो तुम इस घर में, अब तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूँगा। क्या करिए आप? मैं क्या करूँ? मामा, ये सब क्या है, क्या हो रहा था यहाँ? मिल गया सुकून तुम्हें? तुमने सिखा के भेजा था ना इसे मेरे घर में, पटियां पढ़ाती हो तुम फोन पे से, क्या समझ रही हो तुम? मुझे तो पहले दिन से समझ आ गया था कि ये लड़की हमारे घर को बर्बाद करने के लिए आई। मेरे ज़हीन की खुशियां खा गई है, मैं तो नहीं छोड़ूंगी इसे। इनफ, एक लफ्ज भी मेरी बेटी के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अपने बेटे को क्या सिखाया है उसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? मेरी अमल पर उंगली उठाने से पहले अपने बेटे के बारे में भी जानो। बस आंटी, आप अभी और इसी वक्त मेरे रूम से बाहर तशरीफ ले जाइए, इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल कर दूं। और मेरी वकील कह रही थी कि ज़हीन के साथ भरा लॉकअप खाली है, जाना चाहेंगे आप वहां पर? बंद करो अपनी बकवास, पहले हमारे घर में आग लगा चुकी हो,
मजीद भड़काने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उसी आग में झोंक कर राख कर दूंगी, चाहे मुझे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। एक कोशिश जहीन ने की थी, एक कोशिश आप करके देख लीजिए, कुछ नहीं होगा मुझे। पागल हो गई हो तुम बिल्कुल। पागल ये नहीं, पागल तुम लोग सारे हो जो मेरी बच्ची का जीना हराम करके रखा हुआ है। लॉकअप लॉकअप लॉकअप, ये लॉकअप का डरा कर ही तुमने ये रिश्ता किया था। आज तुम्हारा अपना बेटा लॉकअप में है। निलशाद नहीं डरती है किसी से, किसी से नहीं डरती है। जस्ट लीव, जाइए। सॉरी आंटी, आंटी प्लीज चलो उठो, जल्दी से अपना सामान पैक करो, मैं अब एक सेकंड के लिए तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। चलो मेरे साथ। नहीं मामा, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। जो मेरी आंखें एक लफ्ज भी बोला, तुम मेरे साथ चल रही हो। मैं मानती हूँ ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें दुश्मनों के बीच में तन्हा छोड़ दिया। तुम नहीं जानती इस औरत को, ये बहुत खतरनाक है, और जो आज मैंने देख लिया इसके बाद तुम्हारा इस घर में रहना, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी यहाँ पर। मामा आपको याद है, पापा कहा करते थे हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए भलाई छुपी होती है, हम वक्ती तौर पर उस भलाई को देख नहीं पाते। मम्मा प्लीज, हम हार नहीं मान सकते। मैं कुछ नहीं चाहती, उस हार जीत के रास्ते पर चलते हुए तुम्हारे पापा अपनी जिंदगी हार गए, तुम्हें अशफाक के रस्ते पर नहीं चलने दूंगी। मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। सॉरी मामा, मैं इस रास्ते पर चलते चलते बहुत आगे निकल आई, अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैं इस जंग के मैदान से हार कर वापस नहीं आना चाहती। मैं ज़हीन और उस जैसे हर मर्द को ये साबित करना चाहती हूँ कि औरत कमजोर नहीं होती। हम आपकी लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि उन तमाम औरतों की है जिन्हें ससुराल से धक्के देकर निकाल दिया जाता है, उनके सर कोई ना कोई इल्जाम डालकर। मामा झूठा इल्जाम, हमारे खुदा के वास्ते बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हें यूं रोता हुआ नहीं छोड़ सकती यहाँ पर। चलो मेरे साथ। अगर इन्होंने मुझ पर उंगली भी उठाई ना तो ये सब के सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मामा मैं यहां से नहीं जा सकती, बात असूल की है। ज़हीन ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं अमल, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमारा अंजाम चाहे कुछ भी हो, जीत हमेशा हक की होती है। प्लीज मेरा साथ दीजिए। तुम अगर यूं ही अपनी मनमानी करती रहोगी तो तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मामा प्लीज ऐसा मत कहिए। मामा मत बोलो मुझे मामा। मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया है, अब मेरा यहाँ रुकने का कोई जवाब ही नहीं बनता। क्या बात है, जीत के खुमार में हमेशा घूमने वाली दिलशाद आज कुछ हारी हारी नजर आ रही। तुम्हें पता है ना, लोगों ने तुम्हारे
बेटे की वजह से तुम्हें बदनाम किया है। So very sad. Who cares? मुझे लोगों की परवाह ही नहीं है। मैं जिंदगी दुनिया के उसूलों पे नहीं, अपने उसूलों पे जीतती हूँ। तुम अपने गलत फहमी में मारी जाओगी दिलशाद, मगर सच बात तो यह है कि एक लड़की ने तुम्हें हरा दिया। उसने मुझे हर स्टेज पे बेइज्जत किया है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ कासिम दाद। उसे तो मैं देख लूंगी, बट कैन यू डू मी अ फेवर? यू स्टे आउट ऑफ इट। बीच में तो मैं जरूर आऊंगा। पहले ही तुमने अमल की शादी का इतना बड़ा गलत फैसला मुझसे करवाया है। ऑलराइट, फिर नुकसान तो तुम्हारा भी होगा। आर यू रेडी फॉर इट? धमकियों के अलावा कोई और बात है तुम्हारे पास? अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में अंदर गया है तुम्हारा बेटा, सोचो उसे बाहर कैसे निकालना है, या निकालना भी है या फिर अपने बाप की तरह वो भी इटली भाग जाएगा। कासिम चलें। चलें प्लीज, हमें यहां नहीं रुकना। समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है हमारे घर में। तुम्हारी एक गलती की वजह से आज तुम्हारा इकलौता भाई जेल की सलाखों के पीछे। मामा, लेकिन भाई ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, मैं जानती हूँ भाई को। डोंट वरी, ज़हीन तो वापस आ ही जाएगा, लेकिन कुछ लोग इस घर से हमेशा के लिए चले जाएंगे, और वो भी खाली हाथ। नहीं, क्या सोच के भाई के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, उन्हें अरेस्ट करवा दिया। हानिया, तुमने जो भी कहना है कह लो, लेकिन पहले हकीकत जान लो, उसके बाद कुछ कहना। तुम्हारे भाई ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, और उसके बाद उसने ऐसा करने की कोशिश भी की। मैं तुम्हें कितना फेवर करती थी ना, हर बात में तुम्हारा साथ देती थी, हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी हुई। ये तो छुपके वार किया है। वो जो कोई भी था, काश तुम्हें मार ही देता। इतनी हिम्मत है तुम में? माँ, तुम अपनी खैर मना। माँ बात सुने, मुझे पता है आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, महा ने मुझे बताया था। आप कमरे में चलें, थोड़ा आराम करें, कुछ खा पी लें, हम देखते हैं बाद में क्या करना है इसका। प्लीज अभी कमरे में चलें। जी आंटी, हानिया बिल्कुल ठीक कह रही है, चलें आप आ जाएं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके अमल से ऐसी क्या बात हुई है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप यहाँ चली आई हैं, और यहाँ बैठे आप उदास हैं, रो रही हैं, आखिर हुआ क्या है? आज मेरी बेटी अकेली रह गई है, छोड़ आई हूँ मैं उसे। दुश्मनों के बीच में बेआसरा बेसहारा, वो नहीं आई मेरे साथ। जानते हैं उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह आप हैं। क्या? मेरी वजह से? क्योंकि एक बेटी के लिए उसका मैका ही सब कुछ होता है, जहां उसे तहफुज मिलता है। लेकिन अगर उसके मैके वाले तहफुज देने की बजाय उससे कुर्बानी मांग ले, वो बेटी जंगल के भेड़ियों के आगे मर जाने को ज्यादा तरजीह देगी। यही मेरी अमल ने किया है, क्योंकि उसका कोई मेका नहीं है, उसके कोई माँ बाप का घर ही नहीं है, उसके कोई मुहाफिज ही नहीं है। ये क्या बोलती जा रही हो तुम? ठीक कह रही हूं, वो सिर्फ आपकी वजह से इस घर में नहीं आना चाह रही। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी।